Namaskar, friends, and welcome to this important press briefing. As you know, the CCS, CCA, and Cabinet met today. To brief you on the important decision approved by the Cabinet Committee on Security regarding resumption of recruitment of personnel in Defence Forces, we have with us Honourable Lakshamati singh Singhji. My warm welcome to the Honourable Minister. I also Hi. welcome Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, and Additional Secretary, Department of Military Affairs, Lieutenant General Anil Puri. Friends, the press conference will be conducted in the following manner. Honorable Daksha Mantiji will first give opening remarks, and then Lieutenant General Puri will make a presentation on the new scheme. After the presentation, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary will give his remarks, followed by remarks of Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar. To conclude, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे विल गिव इज द मार्क्स अबाउट द स्कीम आफ्टर दिस विल टेक ए फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ओनली ओवर टू ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी मित्रों आप सभी का मेरी तरफ से स्वागत है आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं इसमें से कुछ प्रमुख हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कार्पोटाइजेशन पॉजिटिव इंडजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68 परसेंट कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफ कैप का 74 परसेंट तक बढ़ाना यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म फोर्सेज में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल well इक्विप्ड बनाएगी अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेज में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है इंडियन आर्म फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो यूथफुल प्रोफाइल से यह फ़ायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफ़ी बेहतर होगा साथियों इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज चार साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है मित्रों विम्बरी रिमार्क हमारी तरफ से इस योजना के बारे में यही था इसकी डिटेल्ड जानकारी अभी आपको प्रेजेंटेशन भी होगा ना प्रेजेंटेशन के भी माध्यम से दी जाएगी और हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स जिनका कि मिश्र भटनागर ने अभी आपसे परिचय कराया है वो यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी बात बोलेंगे और उसके बाद जो भी आप प्रश्न करेंगे सामान्यतः हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ चीफ उसकी रिप्लाई करें जय हिंद मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हूँ मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम संभाल रखा है आज मैं आपको अग्निपथ स्कीम से अवगत करवाऊंगा देश की सेवा करने का एक भावना है जिसको चैनलाइज करने का मौका देना हम सबका कर्तव्य है भारतीय सेना की प्राउड लेगेसी बलिदान कर्तव्य प्लस टुडेज यंग इंडिया अनस्टॉपेबल कॉम्बैट पावर वी आर गिविंग यूथ अ चांस फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन मिलिट्री सर्विस आर्म फोर्सेस में युवा प्रोफाइल की नेसेसिटी है जैसा कि अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बनाया बताया हमारी आज की एवरेज एज तकरीबन 32 साल है जो आगे आने वाले टाइम पे ये 26 चली जाएगी 6 से 7 साल में इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द आर्म फोर्सेस इनटू यूथफुल टेक्स अ नीड टू हार्नेस द यूथ पोटेंशियल एंड मेक हिम अ फ्यूचर रेडी सोल्जर अग्निवीर इस फ्यूचर रेडी सोल्जर का हिस्सा होगा अग्निवीर भारत का युवा रक्षक होगा हमारे साथ चार साल रहने के बाद एक अग्निवीर का रिज्यूम है और बायोडाटा बिल्कुल यूनिक होगा ही विल स्टैंड आउट इन द क्राउड विद एटीट्यूड टोर स्किल्स एंड द टाइम ही वुड हैव स्पेंट विद इस स्कीम के कुछ एडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो बहुत है बट मैं सिर्फ कुछ आपको कुछ इसके बारे में आपको बताऊंगा पहली चीज ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है इसके अंदर आर्म फोर्सेस की यूथफुल प्रोफाइल यंगर होगी फिटर होगी डाइवर्स होगी दे बी मोर ट्रेनेबल एंड इन द चेंजिंग टाइम्स ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब देल बी रेडी बिकॉज देल बी मोर टू टेक दिस टेक्नोलॉजी इन द स्ट्राइड देल बी एन ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस दैट इज मिलन ऑफ जोश एंड होश कमिंग टू अग्निवीर एक सुनहरा मौका देश की सेवा करने का थ्रू द आर्म्ड फोर्सेज दे विल इम कमराडरी टीम बिल्डिंग mental robustness physically fit forged under fire like the best steel over the years will result in a confident and better individual there's a very good financial package for which the details i will tell you slightly later as for the nation is concerned there'll be availability of disciplined and skilled youth with military ethos and for the civil society which will add to the nation building ye kam karne se pehle kuch जो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी स्टडी करी उसके अंदर हमने ये देखा कि सिर्फ जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनको आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं पहला वॉलंटियर सिस्टम है ज्यादातर देशों में इनरोलमेंट की जो सिस्टम है वो मल्टीपल एंट्रीज हैं एक रेगुलर दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल तीसरा कॉन्स्क्रिप्ट इनरोलमेंट एजेस सेवेंटीन ईयर्स एंड अबव ट्रेनिंग ड्यूरेशन दस हफ्ते से लेके छ महीने तक ऑल द कंट्रीज हैव ट्राइड टू इंसेंटिवाइज द सोल्जर्स ऑब्लीक अग्निवीर विच दे हैव ऑन एग्जिटिंग हाउ बाय गिविंग बाय गिविंग दम हायर एजुकेशन क्रेडिट्स बाय गिविंग दम अ गुड फाइनेंशियल पैकेज बाय अश्योरिंग और यू नो ट्राइंग टू गिव दम लैटरल अब्जॉर्ब्शन टू वेरियस प्लेस लाइक सिविल एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑल्सो दे आर ब्रिजिंग कॉर्सेज विच आर बींग गिवन ऑन एग्जिट However, Indian problems require Indian solutions. None of these countries have the demographic dividend which we are blessed with. You all know that we have by 2030 about 140 crore people would be there, 50% of them will be below 25 years. This demographic dividend needs to be reflective in the armed forces. The youthful profile, as the Raksha just spoke of jua is known by josh, jazba, junoon. this when led by good leadership will result in higher risk-taking capability, which is part of our lexicon and dna. aqwa bhargrast nahi hoga, he'll be more available because he's younger. he will be fitter and more healthier and his time on target with us will be more. based on broad-basing the recruitment, we shall endeavor to select the best. The present age, as I told you, 32 years, six to seven years, we should be down to 24 to 26. Now let us see how the model looks like. Model is based on all India merit-based selection process. We are looking at the best to serve the armed forces between the ages of 17 and a half to 21 years. Once selected, Agnivids will serve for four years with us on completion of 4 years agnivirs will get an opportunity to apply voluntarily for regular cadre based on merit organization requirement up to 25% shall be selected from that batch and for that we are developing a robust assessment system which will be transparent objective automated and centrally maintained so every agnivir will receive who is selected who is not but agniveers can apply for being retained now let us see the terms and conditions which have been specially made for this agnipath scheme recruitments will be part of the agnipath scheme open to men and progressively based on the service requirement will be open to women as far as the medical and physical fitness standards are concerned they will be as per Extent norms, educational, educational qualifications is tenth and twelfth, which are the terms and conditions based on the service requirement. System is being put in place that every tenth class student who joins us will, we will try and give him a twelfth class certificate by the time he leaves us. There is a very unique package created specially for the Veers by the Ministry of Defence and Ministry of Finance, which is called the Sevanidhi package. And just, just to explain you a little, every agniveer who joins, like me, for the first year, he gets thirty thousand to start with. Out of which 30%, thirty percent, thirty percent he'll contribute towards his own package, which works out to about nine thousand. The government is going to put another nine thousand towards this, it works out to about eighteen thousand. Over this, there will be about the standard EPF oblique PPF provisions, which works out. All that in the first year works out to about 7, 4.76 lakhs in his first year. As he goes along growing with us, he will be finishing at about 40,000 in his fourth year. That works out to about 6.92 lakhs in his fourth year. Besides that, risk and hardship and other allowances, as applicable to the people sitting on your left in uniform, the same is applicable to him. The main thing everything is income tax exempt.

या वो डिसेबल हुआ उसके लिए प्रावधान स्कीम में करा गया है देर इज अन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस बींग केप्ड फॉर एवरी अग्निवीर विच विल वर्क आउट अबाउट वन करोड़ प्लस ही विल गेट इज फुल पे फॉर दर्व पोर्शन जस्ट इनकेस ही गेट्स डिसेबल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग हिज फोर ईयर टेन योर वी हैव मेड स्कीम्स फॉर दैट ऑल्सो फ कोर्स अलॉन्ग विद दिस दे फुल पे फॉर दर्व पोर्शन एंड सिवा ने दी पैकेज एज ऑन डेट विथ इंटरेस्ट ये स्कीम यहां खत्म नहीं होती वी विल बी इंडेवरिंग टू रेज द टेक्निकल थ्रेश होल्ड बाई गेटिंग रिक्रूटमेंट डन थ्रू द आई टी आईज इंपेक्टस विल बी गिवन टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑन्टरप्रिनशिप फोकस फॉर इन सर्विस स्किलिंग स्किल सर्टिफिकेट टेलर मेड ब्रिजिंग कोर्सेज

अपने विचार आपके साथ शेयर करें जय हिंद नेशन आर थ्रेट स्टैंडिंग फॉर्म ऑन द ग्राउंड इन और ऑन सी प्राइमरी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ आर द पर्सनल हु मैन द मशीन्स ऑफ वॉर एंड द अग्निपथ स्कीम अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन आर्म फोर्स एज अग्निवीर Indian इंडियन Force आर गोइंग टू बी An inherent component of an organization that prides itself on its core values of mission, integrity, and excellence. These core values equip our men and women with the knowledge, ethos, and pride to render service to the nation and forms the bedrock on which professional attitudes and beliefs that characterize an air warrior are formed. Agni Veers, by virtue of the tailored training. That will be accorded to them, combined with a robust and resilient unit ethos and work culture, will imbibe these very values. The youth of the country today have an education and skills that allows them to adapt quickly to fast changing technology based environment. They are adept at understanding and using technology and are aligned to the future needs. The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology, environment of the indian air force, and hone the skills for future employment. the new scheme, therefore, gives the air force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. a short tenure in the air force will facilitate military training and inculcate amongst them qualities of leadership, patriotism, Determination, discipline, maturity, courage, camaraderie, orderliness, and a sense of time management. The scheme also allows the Air Force to assess both the attitude and the aptitude of the young people who join as Agniveers, and prepare them for further specialized training in aviation and non-aviation skills required by the Air Force, should they opt to join as regular air warriors. This will not only contribute effectively in upskilling of the youth of the country. But it also ensures right training at the right time is imparted. Lastly, the Indian Air Force shall be imparting a wide range of training and exposure to the Agnivirs in aviation, weapons, and sophisticated ground systems. Agnivirs who rejoin civil society will be job ready to be absorbed by a variety of employers. Armed with skills that they have learned in the Air Force, it is these Agnivirs who will carry their training, discipline, and experience to our indigenous industry also. This therefore emerges as a win-win situation with the Air Force benefiting from both, the Agnivirs who have many options after four years, and those who will be joining the Air Force as permanent service members. I invite the aspiring youth of India to seize this unique opportunity to serve the nation and touch the sky with glory. Jai Hind. Kumar. नमस्कार देवियों सजनों आप सबने अग्निपीत और अग्नि अग्निपथ के बारे में अभी तक सुना है so, सो मैं इसके डिटेल्स में ना जाते हुए इस विषय पर अपने और नौसेना के विचार आपके सामने रखूंगा सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा एक आइडिया जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस आम फोर्सिस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा और अगर हम फ्यूचर की सोचें तो एक ऐसा आइडिया जो देश की युवा पीढ़ी को सक्षम समृद्ध और सशक्त बनाकर पूरे देश में बदलाव लाने की क्षमता रखता है हम सब जानते हैं कि वर्तमान और भविष्य के चैलेंजेस कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं और इन चैलेंजेस को एडिक्वेटली एड्रेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लेसन्स लर्न और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ साथ हमारी आउटलुक और क्षमता में परिवर्तन लाएं। इन नेविगेटिंग द टर्बुलेंट टाइट्स ऑफ कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वी के नॉट अफोर्ड टू मेयरली कंटिन्यू अलॉन्ग द बीटन पाथ डूइंग मोर ऑफ द सेम इज नो मोर एन ऑप्शन इसीलिए आने वाले कल की लड़ाई के लिए विचारधारा में भी परिवर्तन जरूरी है एज फार एज द नेवी इज कंसर्न द अग्निवीर्स विल प्रोवाइड ए स्टडी एंड कंटिन्यूस इन्फ्यूशन ऑफ अनब्राइडल वाइटैलिटी एंथसियासम एंड न्यू एज एबिलिटीज ऑफ यूथ एक तरफ ये हमारी आर्म फोर्सेस के टैलेंट पूल को विस्तार करेगा साथ ही साथ ये हमारे युवाओं को गर्व से मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने का आकर्षक ऑप्शन भी देगा इंडियन नेवी अग्निवीरों को अपने स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप्स सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर मिलिट्री एयरक्राफ्ट अदर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स एंड यूनिट्स और लेटेस्ट वेपन्स सेंसर्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स आईटी सिस्टम्स नेटवर्क्स वगैरह में काम करने का यूनिक अनुभव प्रदान करेगी दिस एक्सपीरियंस will hold them in good stead for the rest of their lives while also contributing to society and community development. On completion of four years of uniform service, they'll be a vital element in India's growth story, contributing to nation building through grooming, skilling and inspiring of future generations while instilling and reinforcing a greater sense of nationalism and patriotism. Therefore, the Agnipath initiative and the Agniveers that it will produce will play a pivotal role in enhancing the effectiveness and efficiency of the navy and the country as both grow and rise to the challenges. Having been part of the initial planning team over two years back, I can assure you that the initiative has been extensively deliberated and examined threadbare by all stakeholders.

और ध्यान दें नौसेना की अग्निवीर स्कीम में महिलाएं भी शामिल होंगी मेरा मानना है कि अग्निपथ एक विश्नरी मूव है जो कि हमारी नौसेना का मल्टीपल डायमेंशंस में बदलाव करेगा आई थिंक आउ द कंसेप्ट ऑफ अग्निपथ थ्रू द प्रिजम ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ फोर डिकेड्स इन यूनिफॉर्म वन ऑफ द की लेसन्स दर आई लर्न इन द नेवी Is that if one does not continuously adapt to the changes in tides and currents, one will most definitely be set off course. The same applies to the armed forces as well in today's dynamic scenario. And in this regard, the Agnipath initiative is an essential step to ensure that we stay on course. Ant me hu अम्फोसिस का फंक्शनिंग सेवा परमोधर्म या सर्विस बिफोर सेल्फ के सिद्धांत पर आधारित है अग्निवथ भारत की भविष्य की पीढ़ियों को इस मूल मंत्र के अंतर्गत सम्मान और संतोष से जीने का एक उत्तम अवसर प्रदान करेगा और हर काम देश के नाम की धारणा का पालन ही नहीं उसका अनुभव भी करेगा भारतीय नौसेना अग्निवीर को सीमलेसली अपनी टीवी टीम नेवी का हिस्सा बनाने का के लिए पूरी तरह से तैयार है धन्यवाद जयंत स्कीम इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म फॉर द आर्मी एंड द नेशन एंड एम्स टू ब्रिंग अ पैराडाइम चेंज इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी द स्कीम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स एम्स टू मेक द आर्मी अ फ्यूचर एडी फाइटिंग फोर्स केपेबल ऑफ मीटिंग मल्टीपल चैलेंजेस अक्रॉस द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इस योजना को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया गया है दिस एफर्ट कॉम्प्लीमेंट्स अदर ऑन गोइंग इनिशियेटिव टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन आर्मी Into a modern technology driven Atmanirbhar and a battle worthy force. Some of the notable benefits of the scheme from the Indian Army point of view are firstly, an enhanced youth pool profile, as was mentioned earlier, that is, reduction of average age from 32 to 26 to be achieved over a period of time. Secondly, increase in the technical threshold of the Army by recruiting agnivirs through itis and other technical institutes by harnessing their potential the scheme we believe will attract young talent and motivated youth with the right skill sets to join the army it will also result in increased availability of medically and physically fit personnel at the cutting edge level of field units it will also ensure better utilization of recruit training period, resulting in enhanced availability of soldiers to the field army. It will also help us in maintaining an optimum balance between the youth and experience. A wider recruitment base will provide equal opportunities to youth from all parts of the country to join the army. The screening and selection, based on a sound, fair, transparent, and a robust assessment system, will ensure that the Army retains the best of the best for a longer serving duration, and these personnel will form the core of our organization. The Agnivir leaving after four years will be empowered with suitable skills and financial means. एंड कैरी अ यूनिक रेज्यू मेंज वॉज एलियोडेड टू अलिया दैट विल सिग्निफिकेंटली एनहेंस हिज वैल्यू एंड एम्प्लॉयबिलिटी इन द सिविल सोसाइटी द न्यू प्रोसेस हैराल्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन आर रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड विल नेसेसिटेट चेंजेस इन द वे वी इम्पार्ट ट्रेनिंग टू आर रिक्रूट्स एंड सोल्जर्स इन एनहेंसिंग देयर कॉम्बैट पोटेंशियल मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा वी विल इंस्टीट्यूट अ फेयर ट्रांसपेरेंट एंड साइंटिफिक मेथड इन स्क्रीनिंग द इनिशियल इंटेक फॉर फोर ईयर्स एंड अप्लाई सिमिलर स्टिक्स टू सेलेक्ट दोज हु विल गेट एनरोल्ड मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूँ कि थल सेना अपने गौरवशाली विरासत इतिहास परंपरा, सैनिक मूल्यों और संस्कृति जो कि कोहेजिवनेस कॉम्ब्राइडरी एस्परिट डोर और नाम नमक और निशान के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है को पूरी तरह बरकरार रखेगी अग्निवीरों को आर्मी में हर तरह से एसिमिलेट और इंटीग्रेट किया जाएगा और वो यूनिट्स हेडकोर्टर्स और एस्टबलिशमेंट्स दोनों ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एरियाज़ में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों यानी कि अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज़ में तैनात किए जाएंगे। i want to assure you that during the implementation and stabilization phase of the agnipath scheme the army's operational capabilities and preparedness along the borders and the ability to deal with internal security challenges will be fully maintained at the end i wish to say that we are confident that this change विल ब्रिंग इन न्यू विगर एंड कॉन्फिडेंस इन द इंडियन आर्मी एंड मेक इट स्ट्रोंगर मोर केपेबल एंड इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर जय हिंद एंड थैंक यू मित्रों हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी डी एम ए ने जो प्रजेंटेशन आपके सामने दिया है मैं समझता हूँ थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर चीज़ें पूरी तरह से साफ़ हैं लेकिन फिर भी यदि कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो हमारे तीनों सर्विसेज़ के चीफ्स आपके क्लैरिफिकेशन का जवाब देंगे